सुहेल साहब, काफी अरसे से हम इन तमाम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, आईपीपीस को, और यू आर द फर्स्ट वन जो ये हमने पिछले एक डेढ़ साल पहले सिलसिला शुरू किया था बात करने का, लेकिन अब तो सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। अब तो बाकायदा बात हो रही है कि ये आईपीपीस और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकता। बात ये हो रही है कि पार्लियामेंट के अंदर जाकर और इनके खिलाफ या इनके जो मुआहदे हैं उनको ख़त्म कराने के लिए कानून साजी की जाए, ऐसी भी क्या सॉवरेन गारंटी के जो पाकिस्तानियों के गले कट जाएं जिसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, दो तीन मिनट मुझे दीजिएगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखें जी, सॉवरेन गारंटी की भी कुछ शरायत होती हैं, उसके अगेंस्ट आपको कुछ मिलना चाहिए। ये थोड़ी होता है कि आपका प्लांट कुछ जनरेट ही नहीं कर रहा, आप कैपेसिटी दे रहे हैं, ये तो फ्रॉड हो गया ना। इसको तो एक मिनट में आप चैलेंज करके उस वाले का आईपीपी का वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर। अब मैं आपकी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। 1990 से आज तक, अब हम वहाँ से चलता रहा, 2013 में जाके ये सर्कुलर डेट हुआ 480, फिर वहाँ एक कमेटी बनाई गई, जैसे आजकल एक साफ शोर मचा रहा है ना, इसी तरह उस वक्त भी एक साहब ने शोर मचाया, वो आ गए, उन्होंने मुआहदा किया एक और, उस वक्त एक और साहब थे साबिक एफबीआर के जो आईपीपीस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उन्होंने वो 480 उनको अदा करवा के फिर जो दोबारा उसमें चेंजेस की, उससे 2018 में ट्रिलियंस में चला गया। तो 480 जो दिलवाया आजकल वो भी काफी शोर कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, ठीक है, मजे की कहानी सुनिए ना। फिर वो 2018 में एक और शोर मचा जिसमें वजीर ख़जाना और वजीर पेट्रोलियम, वजीर एनर्जी और वजीर मशीर ने बुलाया कि आईपीपी से हम नेगोशिएट करेंगे, और ये 2018 के इलेक्शन के बाद है, और उसमें एक और मुआहदा किया गया। आईपीपी के उस वक्त रिप्रेजेंटेटिव वो थे जो हबको के भी इंचार्ज थे, उनसे फिर मुआहदा किया गया। उसके नतीजे में और क्लॉजेज ऐसी अच्छी डाल दी गई आईपीपी के हक में कि वो अब और ट्रिलियंस ऑफ में चला गया। और ये वही दौर था गालिबन जिस वक्त एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन से और वो चारों अरबपति हो गए। सुन तो लीजिए पूरी बात सर, वो चारों अरबपति हो गए और कैबिनेट ने भी इसे अप्रूव कर दिया, और उसमें से तीन मुल्क से भाग चुके हैं, एक मौजूद है अभी, और उसको इनाम दिया गया कि सी पैक का वजीर बना दिया गया उसमें से एक आदमी को। ठीक है सर, अब उसके बाद अब एक साहब ने फिर शोर मचाया जो केयर टेकर हुकूमत में इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज थे गौरी जैसा जो भी हैं, मुझे नाम अच्छा। किसी से मतलब, मैं डेजिग्नेशन से बात करता हूँ। उन्होंने इसलिए शोर मचाया कि इससे पहले कि अवाम आग लगा दें आईपीपी को, तो कोई आदमी तो शोर मचा दे ताकि ट्रक की बत्ती की तरफ चले जाएँ, और फिर अब वो आएंगे अवाम की तरफ से फिर मुआहदा करने आईपीपीस के साथ, और उसमें और मज़ीद बिगाड़ आ जाएगा, क्योंकि अगर जब वो केयर टेकर मिनिस्टर थे तो उसी वक्त पता कर लेते ना वैसे लगारी साहब से या किसी से, जो मिनिस्टर पेट्रोलियम था या मिनिस्टर केयर टेकर में जो साहब थे मीर साहब, उनको बुला के पूछ लेते भाई ये क्या है। उस वक्त तो उनके वजीर आजम भी उन्हीं के थे। आप ये कह रहे हैं कि जब जब माजी में नहीं, सुन तो लें सर, वजीर तिजारत थे जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके ये रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वही वजीर तिजारत ने कुछ नहीं किया 9 महीने केयर टेकर में, और काकड़ साहब भी थे, सब कुछ थे, सब अपना था ना। तो मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि इससे पहले कि कोई और मुआहदा हो के हम बिल्कुल ही पाकिस्तान भेज दें आईपीपी को, प्लीज़ इस पर नज़रसानी करें, इस क्लिप को मेरी महफूज करके रखिए और बार बार चलाइए ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ये क्या, ये पांचवी दफ़ा जो फ्रॉड होने जा रहा है ये ना हो। एसएम तनवीर साहब, सुहेल वजाहत साहब का ये कहना है कि हर बार शोर उठा और इन मुआहदों में और उसको जब रिविजिट किया गया तो उन्हीं स्टेक होल्डर्स को फायदा हुआ और आम पाकिस्तानियों को नुकसान हुआ, और ये भी कहा जा रहा है कि अब बिल्कुल आपके साथ मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कर रहे हैं केयरटेकर जो मिनिस्टर थे, लेकिन वजह ये कि उस वक्त ये सारी चीज़ें क्यों सामने लेकर नहीं आई गई, अब क्यों लेकर आई जा रही है, मामला तो सबको आप लोगों को पता था ना। अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो बात कर रहे हैं जो कि टोटली गलत है। हमने अभी जब फेडरेशन का चार्ज लिया, हमने यहाँ पर आके अपना एक विजन बनाया 2030 पर, हमने टारगेट किया कि हमने अपने मुल्क की एक्सपोर्ट को 100 बिलियन पे लेके जाना। 100 बिलियन जाने के लिए जब इशू आया तो यहाँ पर बिजली जो रेट पर चल रही है पूरी दुनिया में 6 सेंट की बिजली है, अगर हम कहते हैं 9 सेंट की भी दे दें तो हम अपनी एक्सपोर्ट को बूम कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, काम बढ़ सकता है।
अब यहाँ पर अगर 16 सेंट की बिजली आएगी तो ये हमारी ना एक्सपोर्ट होगी ना इंडस्ट्री चलेगी, फिर रोजगारी बढ़ती जाएगी, आवाम सड़कों पे आएगी, आम आवाम भी पिस गई है। इसके ऊपर हमने ये इशू को रेस किया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने और उसको लेके चल चुके हैं। जो केयर टेकर गवर्नमेंट की आपने बात की, जो गौर साहब की बात की, उनको वहाँ पर 5 या 6 महीने मिले जिसमें उनको समझ आई कि 240 अरब रुपये तो हुकूमत बिजली में इंडस्ट्री से चार्ज कर रही है, जिसपे उन्होंने एक मुद्दा उठाया और शोर मचाया। वो कॉमर्स के मिनिस्टर थे, एनर्जी के नहीं थे। एनर्जी के जो मिनिस्टर थे उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट बनाई जो रिपोर्ट मार्केट में आ चुकी है। उस रिपोर्ट के ऊपर आप अगर स्टडी करेंगे उस दौर के जो एनर्जी मिनिस्टर थे तो क्लियरली बता रही है कि इसमें कहाँ कहाँ पर फ्रॉड हुआ है, कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। वो रिपोर्ट भी मार्केट में पब्लिक स्टेटमेंट है। तो किसी पर इल्ज़ाम लगा देना कह देना बहुत आसानी है, बट जब तक आपको हकीकत का पता नहीं है या नहीं जाते तो मुश्किल हो जाता है। अब मसला ये आ रहा है कि जो 2 ट्रिलियन रुपये का कैपेसिटी चार्जेस हैं जो प्लांट बंद पड़े हुए हैं उसके मुताबिक आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। 2 ट्रिलियन को जब हम पर यूनिट पे डिवाइड करते हैं तो 24 रुपये पर यूनिट बन जाता है। 24 रुपये पर यूनिट नेपरा ने जो रेट डिफाइन कैपेसिटी चार्जेस का किया हुआ 8 रुपये है। अगर आप 24 रुपये चार्ज कर रहे हैं प्लांट बंद प्लांटों को, बंद प्लांट्स को अगर आप 2 अरब रुपये दे रहे हैं तो ये काम नहीं चल सकता। जी मुझे पता है, मुझे कंप्लीट करने। उसके बाद अब आपका जो आर्मी का बजट है उससे ज्यादा बजट तो आप आईपीपी को जाके दे रहे हैं, तो उसको आपको समझना पड़ेगा और मसले का हल करना पड़ेगा। इसी तरह से अभी हम कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट को पता है ये बात और सबको पता है तो उसका सलूशन क्यों नहीं निकाल रहे और कौन निकालेगा इसका सलूशन? हम तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम तो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, हमने अपने मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमने इकॉनमी को इम्प्रूव करना है, हमने टैक्सेस बढ़ाने हैं। उसके लिए अगर आप अगर रीजन में 6 सेंट है, यहाँ पर अगर आप 16 सेंट देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री कंटिन्यूसली बंद हो रही है। भाई देखें ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडिया में इस वक्त जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको मेरे ख्याल से 6 सेंट है उसका जो रेट है निर्ख है। बांग्लादेश में 8.6 सेंट, वियतनाम में 7.2 और पाकिस्तान में 16 सेंट इस वक्त किसी तरीके से वायबल है ही नहीं। सुहेल साहब, अब जाहिर है कि उनकी जो मिनिस्ट्री थी वो कॉमर्स मिनिस्ट्री थी। मैंने इसीलिए तो कहा कैबिनेट में सब लोग बैठते हैं ना, खाली अकेला तो मिनिस्टर नहीं बैठता ना। चले ये चीजें सामने आ गई। अब मेरी बात सुन लीजिए कि आईपीपी जिन लोगों के हैं, मैंने आपको ये न्यूज ब्रेक की थी 1.5 साल पहले कि वो सारे हुकूमत में और जिनके नाम आपको ये, पता ये, है, ये है ना सबसे बड़ा मसला। अब आप हल करवा लीजिए, चाहे ये फेडरेशन शोर मचा ले। हाँ, जी, जी, आप जी। उस फेडरेशन के भी वो सारे मेंबर हैं जिनके आईपीपी हैं फेडरेशन के अंदर। जी जी, सारी इंडस्ट्री उनके पास है, एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री भी उनके पास है जिनके आईपीपी हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, 101 आदमी हैं, 101 आईपीपीज हैं। उन सब के लोग टेक्सटाइल में भी हैं, गाड़ियां भी बनाते हैं, शुगर भी बनाते हैं और हर चीज़ बनाते हैं, उन्हीं सब के आईपीपी हैं और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। एक भी उनमें से ऐसा नहीं है जो सिर्फ एनर्जी का हो, वो सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनके बैंक्स भी उन्हीं के हैं और जो कुछ आप इस मुल्क में चल रहा है सब उन्हीं के हैं। गैस उनकी है, एलएनजी उनकी है, एलपीजी उनकी है, फर्टिलाइज़र उनकी है, सब कुछ उनकी है। अब आप हुकूमत कर लीजिए और जो हमारे इस वक्त जो भी लोग शोर मचा रहे हैं वो सब उस फेडरेशन के मेंबर हैं, तो वो खुद ही आपस में बैठ के तय कर लेंगे भाई हुकूमत का ये मसला, हम अपने आईपीपी को विड्रा कर लेते हैं अगर इतना आसान है ये, जब इनको पता चला। मैं तो सच बात बोलता हूँ, मैं चमचागिरी करता नहीं किसी की। ये तो लिस्टें सबके पास है ना, सबको पता है कि आईपीपीज जो है वो किन की। इनको अब पता चला कि जी ये मसला है, ये तो मसला 2013 से चल रहा है, ये तो आप आज कैसे पता चला जो मैं ये बना। कि इसमें कितने परसेंट आप आपकी जो ऑब्जर्वेशन है क्या किया, क्योंकि आगे बढ़ना है, इस प्रॉब्लम से निकलना है, इन एग्रीमेंट्स को रिविजिट रिव्यू किया जाना बिल्कुल चाहिए। कर सकते हैं, तो बिल्कुल आसान है करना। फेडरेशन अपना क्या रोल अदा कर सकती है, और फिर दूसरे बहुत सारे लोग जो है जिनको आप भी जानते हैं सबको पता है, नोइंग फैक्ट है कि जरा किन किन की आईपीपीज हैं। देखिए सर, ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि हम नाम नहीं लेंगे, सबको पता है क्या नाम है और कौन लोग हैं। मैं तो ही बच्चा ना, आप लोग सब अकलमंद हैं। नहीं नहीं, आप उनकी उनकी बात वो कह रहे हैं कि आप बच्चों वाली बात 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 वो भी अल्फाज का चुनाव सही करें ना। उनकी बात तो सुन लें सर प्लीज। जी मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे बच्चों वाला पहले कहा, बेवकूफी की बात की, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी टीवी पे। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल, जरा थोड़ा सा गर्म भी एहतियात करें। जी सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो अपनी करें। सर आप बात कंप्लीट करने दें।
पूरे आप अपनी बात करें, मेरी बात कंप्लीट ना करें। अब जरा उनका उनका मौकफ सुन लेना जी, इनको समझा लें जी। तन्वीर साहब प्लीज, पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी फेडरेशन के नीचे है, हमको सबको पता है, सबको पता है कौन क्या कर रहा है, इसलिए तो हम शोर मचा रहे हैं। फेडरेशन का चार्ज हमने अभी लिया है, इस बार पहले कोई और था पार्टी, हमने चार्ज लिया, हमने एक विजन जो मैंने बताया 2030 है, हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, यहाँ पे एक्सपोर्ट गिर रही है, हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, हम शोर मचा रहे हैं। देखिए हमने शोर मचाया तो टेबल पर आईपीपी का इश्यू हाईलाइट हुआ ना, जब हाईलाइट होगा तो उसका सोल्यूशन निकलेगा, तो इंशाल्लाह इसका हर चीज का सोल्यूशन है, सोल्यूशन निकलेगा तो काम होगा, काम होगा हमारे मुल्क की इकोनॉमी ठीक होगी, इंडस्ट्री चलेगी। अब देखें सीपैक टू का दौर आ गया, सीपैक वन इज ओवर। सीपैक वन में रोड बननी थी, पावर प्लांट लगने थे, जो भी पावर प्लांट हो तो हम शोर मचा रहे हैं। सीपैक टू में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसमें सारी की सारी चाइना से इंडस्ट्री ने पाकिस्तान में शिफ्ट होना है। अगर इंडस्ट्री पाकिस्तान में आएगी उसके लिए हमने एसईजीज बनाने हैं। प्रॉब्लम इसके हमारी अपनी इंडस्ट्री अगर नहीं चलेगी, हमारी अपनी इंडस्ट्री अगर बंद हो रही है, अगर आप वापडा का गैस का रिकॉर्ड चेक करें तो 25% लोड उनका कम हो चुका है। अगर हमारी अपनी इंडस्ट्री बंद हो रही है तो बाहर से कौन आके लगाएगा? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये लेट हो गया है, इसको इमीडिएटली हमारे को एक्शन लेना चाहिए। हम ये अपील कर रहे हैं बार बार इसका सोल्यूशन निकाल लें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाए। ठीक है, तो FPCCI पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान में तिजारती जो बॉडी है पाकिस्तान के सनतकारों के हवाले से, तो इसमें यकजा क्यों नहीं होते तमाम फेडरेशन चेंबर्स वगैरह, एक ही आवाज़ आए हर तरह से हर जगह से कि जनाब ये कानून साजी की जाए, आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कीजिए और पार्लियामेंट के अंदर जाके इसको रिविजिट करवाने के हवाले से इसमें तरामीम की जाए। क्योंकि अवैस लगारी साहब वो कहते हैं कि हम एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते, सॉवरेन गारंटीज दी हुई हैं गवर्नमेंट ने। सर FPCCI पूरे पाकिस्तान की जितनी भी एसोसिएशन हैं, पूरे पाकिस्तान की जितनी भी चैम्बर्स हैं, हर आदमी उसको प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर आप अपना रिकॉर्ड देखें, उसको अखबारों में देखें, और पूरे पाकिस्तान ने अपना एक रेजोल्यूशन पास किया है कि गवर्नमेंट इसका मसले का हल करे, और इसका मसले का हल होना चाहिए। अगर हमारे मिनिस्टर साहब अगर कोई बात कर रहे हैं तो उनको भी हल निकालना चाहिए। अगर पूरा पाकिस्तान रो रहा है तो समझ रहे, आम आदमी भी समझ रहे कि क्या मसला है। अब हल तो हुकूमत ने निकालना है ना, हम उसको हाईलाइट करके मसला बता रहे हैं, इसका हल निकाल ले तो इंशाल्लाह आपका मुल्क ग्रो करेगा, आप इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल जाएंगे। ठीक है जनाब, जरा हल यहाँ सुहेल साहब से पूछते हैं कि क्या दो तीन स्टेप्स बताइए सर। आप मुझे बताइए, मैं तीन साल से आपको हल बता रहा हूँ ना इसी प्रोग्राम में, आप उसको सर आप मुझे बता रहे हैं ना, आप हुकूमत को बताइए। हुकूमत ही को बताता हूँ, आपके वसाहत से और किसे बताता हूँ, सिर्फ आपको थोड़ी बताता हूँ, ये नेशनल टीवी है, टीवी पे सारी फेडरेशन भी सुनती है, इनसे पहले भी सारे लोग फेडरेशन के सुनते रहे ये प्रोग्राम। नहीं तो इसके अलावा कोई और दीगर कोई आप जाहिर है, इसलिए मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट की है कि वो SIFC के नीचे ला के इस चीज को ठीक करें। SIFC का जिस पे एनर्जी पाकिस्तान की एनर्जी सलामती का मसला, इसलिए मैंने कहा है कि SIFC के नीचे लाएं, जैसे हमारे मोहतरम दोस्त ने फरमाया कि सीपैक 2 आने वाला है, तो SIFC का एक मसला इंडस्ट्री भी है ना, एनर्जी भी है, तो वो उसके एग्रीकल्चर भी है, तो उसके तहत लाइए, वहाँ पर सारी हुकूमत ही बैठी हुई है, हुकूमत के अलावा प्राइवेट लोग भी हैं, उसमें मसले का हल पेश कर दिया जाएगा। मसले का हल कई दफ़ा पेश किया जा चुका है लेकिन उसका उल्टा नतीजा निकल आता है। अच्छा, जब कोई नया आदमी आता है तो कुछ ना कुछ तो शोर मचता ही है ना हर जगह से, तो वो मचता रहता है, लेकिन हल तो ये 13 साल से चल रहा है, ये मसला 2013 से लेके आज 2024 हो गया, 11 साल हो गए। हल भी सारे पेश किए जा चुके हैं, मेरे पास पॉलिसी भी मौजूद है, इसके तमाम हल मौजूद हैं, और IPPs को कैसे हैंडल करना है, उनके माहदों को उसका भी तरीका पता है, मैंने लास्ट टाइम बहुत तफसील से बताया था कि उसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, ना उसका एनर्जी ऑडिट हुआ है, ना उसका एनर्जी ऑडिट हुआ है, ना उसके ऊपर एफिशिएंसी हुई है, उसमें फ्रॉड हुआ है, उसमें जो IPP नहीं भी चल रहे वो भी ले रहे हैं, उनको तो फौरन आप जुर्माना करके बंद कर सकते हैं, उसमें सॉवरेन गारंटी बीच में कहीं आती ही नहीं है। आप किसी भी लीगल आदमी को बिठा लीजिए, वो आपको सारा समझा देगा, मैं समझ के आया हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा, उसमें कोई ये तो डराना है, जैसे डराते नहीं है ना किसी को कि भाई ये ऐसा किया तो ये हो जाएगा, वो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, वो हंगामा हो जाएगा। अगर
मुझे मौका, मैं बात करूं, आप देखिए एक आईपीपी को एग्जांपल बनाइए, उसके साथ डिस्कशन कीजिए, चुनते जाइए 101 में से एक दो, सब आपके आराम से सब तय हो जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। आईपीपी भी समझ जाएंगे, जब उनको समझ आएगा कि दूसरी साइड समझ रही है कि वो क्या कर रहे हैं, तो खुद ही विड्रॉ कर लेंगे सारी चीजें। ये तरीका है इसका, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर हंगामा कर